नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। खबर पाली हरदोई से। गौवंशों के आतंक से परेशान दर्जनों किसान गौवंशों को लेकर जब नवनिर्मित अस्थायी आश्रय स्थल पहुंचे तो गांव के प्रधान ने व्यवस्था न होने की बात कहकर गौवंशों को लौटाने की कोशिश की, जिस पर प्रधान और किसानों में कहासुनी होने लगी। मामला बिगड़ता देख प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया गया। उसके बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। भरखनी ब्लॉक के गांव निजामपुर में नवनिर्मित अस्थायी आश्रय स्थल का उद्घाटन होने के दूसरे ही दिन गौवंशों के आतंक से परेशान खनी कला जहानपुर दर्जनों किसान लगभग करीब 31 गौवंश को लेकर आश्रय स्थल पहुंचे तो निजामपुर के बाबा प्रधान को आश्रय स्थल पहुंचे और पशुओं को यहां से ले जाने की बात कहने लगे, जिस पर किसान भड़क गए और कहा सुनी होने लगी। मामले को बढ़ता देख खनी कल जहानपुर प्रधान प्रतिनिधि अनुज पांडे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया गया। समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यहां 50 गौवंश रखने की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर आप लोगों के यहां गौवंश हैं तो बात कर अन्य आश्रय स्थलों में भिजवा दिया जाए। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट चंद्रिका मिश्रा। नहीं यार, खनिकलापुर से कुछ पशु लाए गए हैं, अंदर कराए गए हैं, तो भाई थोड़ी सी प्रधान जी को जानकारी नहीं थी, उसको मैंने बता दिया है क्या करना है, तो व्यवस्था ठीक रहेगी और जितने पशु आ गए हैं वो सब अंदर रहेंगे और जब तक व्यवस्था प्रधान जी की और हो जाएगी तो और भी पशु अंदर किए जाएंगे। इसकी 50 की क्षमता है, इस समय 32 हो गए और व्यवस्था होते ही तार फेंसिंग कंप्लीट होते ही बाकी 18 पशु और ले आए जाएंगे और इसकी क्षमता पूर्ण हो जाएगी और इस गौशाला को प्रधान जी अच्छे से चलाएंगे। अब तो कोई विवाद की स्थिति नहीं है? नहीं, अब कोई विवाद की स्थिति नहीं है।